अगर इस मुल्क में इस्लाह मुआशरा और समाज के सुधारने के काम को भी उलमा ने अपनी सलाहियत के मुताबिक अपने ज़िम्मे न लिया होता। जब देखो हर जिस चीज़ के मसले में देखो उलमा को अपनी ज़िम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। उलमा इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलें, उलमा उर्दू मीडियम स्कूल खोलें, उलमा मुस्लिम पर्सनल लॉ की लड़ाई लड़ें, उलमा लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के मुकदमे लड़ें, उलमा उर्दू ज़बान की हिफाजत के लिए लड़ाई लड़ें, उलमा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाएँ, उलमा मुस्लिम मजलिसे मुशावरत बनाएँ, उलमा मिल्ली काउंसिल बनाएँ, उलमा दीनी तालीमी काउंसिल बनाएँ, उलमा दीनी तालीमी बोर्ड बनाएँ, उलमा दारुल क़ज़ा बनाएँ, उलमा दारुल इफ्ता बनाएँ। मैं पूछना चाहता हूँ टीचर हजरात क्या कर रहे हैं, दानिश्वर हजरात क्या कर रहे हैं? गुस्ताखी माफ़, आप में से अक्सर लोग सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ अपने कैरियर के ज़रिए से अपने मोहल्ले से निकल कॉलोनी में शिफ्ट हो रहे हैं, मुस्लिम मुआशरे से दूर हो रहे हैं, गरीब आदमी आपसे मिल नहीं सकता। ये कौन सी तालीम है? सारे जिम्मेदारी बड़ी हद तक उलमा उठाएं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर आपको कुछ खबर नहीं होगी। अकलियती किरदार पर जब भी हमला हुआ, गुलजारी लाल नंदा के प्राइम मिनिस्टर था उसके ज़माने में हुआ, लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे उनके ज़माने में हुआ, कौन सामने आया? मौलाना अबुल हसन अली नदवी और मेरे वालिद माजिद मौलाना मोहम्मद मंजूर नुमानी, उन्होंने पूरा ट्रस्ट बनाया। लखनऊ में अलीगढ़ के सिलसिले में कॉन्फ्रेंस की, न मेरे वालिद कभी अलीगढ़ गए, न मौलाना अबुल हसन अली नदवी के ख़ानदान के किसी बच्चे ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तालीम पाई, मगर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए भी उलमा को सामने आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? इसलिए कि गुस्ताखी माफ़, आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के पढ़ने वाले लोग कौम की फिक्र बहुत कम और अपने पेट की फिक्र ज़्यादा करते। हमारे घर से एक अखबार निदाए मिल्लत निकलता था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दो अखबार निकाले थे, अल बलाग और अल हिलाल। इन दोनों अखबारों के बाद इस मुल्क का सबसे ताकतवर अखबार जिसने हुकूमत की चूलें हिला दी थी वो निदाए मिल्लत अखबार था। उस निदाए मिल्लत अखबार के एडिटर मेरे दोनों बड़े भाई थे, मौलाना आतिकुर रहमान संभली और जनाब हाफिज़ हफीज़ नुमानी, अल्लाह उन दोनों की खबरों को नूर से भरे। उन दोनों ने और एक डॉक्टर आसिफ कदवाई, इन तीनों ने मिलकर निदाए मिल्लत का स्पेशल इशू निकाला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर। यहाँ इंटेलिजेंस के मेरे दोस्त मेरे भाई बैठे होंगे, उस वक्त यह हालत था CID डिपार्टमेंट का, LIU का, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का, कि वो उस निदाए मिल्लत अखबार के छपने से पहले हज़ार मरतबा उन्होंने कोशिश की कि उनको उनके मजामीन मिल जाएं कि उस नंबर में क्या आ रहा है। निदाए मिल्लत अखबार में मुसलमानों के मजामीन कम थे, इस मुल्क के इंसाफ पसंद नॉन मुस्लिम जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जजेज ऑफ द हाई कोर्ट और बड़े बड़े लॉयर्स के मजामीन थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट इल्लीगल है, गैर कानूनी है, ये एक अकलियती इदारा है, इसके अकलियती किरदार को ख़त्म करना मुल्क के संविधान के खिलाफ है। इस रिसाले को, इस अखबार को हुकूमत जब्त करना चाहती थी, नहीं जब्त कर पाई और अजीब गरीब तरीके पर यह रिसाला निकला। और आज मैं पहली बार यहाँ मौजूद हज़ारों बहनों से कहना चाहता हूँ, इस रिसाले के डिस्पैच हो जाने में मेरी भाभी का किरदार था। मेरा पूरा ख़ानदान इस दीन और इस मुल्क की एकता पर और इस मुल्क के दस्तूर पर ईमानदारी से अमल दरामद करने के लिए बच्चा बच्चा कुर्बान हुआ है। मुझे ये देखकर दुख होता है कि अक्सर मुसलमान इस मुल्क के दस्तूर से वाकिफ़ नहीं, इस मुल्क के दस्तूर के बनने की तारीख से वाकिफ़ नहीं। आपको नहीं मालूम, मुझे शिकायत का हक है। मैं अलविदाई खिताब में
ये शिकायत किए बगैर जाना नहीं चाहता, कि उलमा को भी नहीं मालूम। आप हजारों बार ये सुनते हैं कि इस मुल्क का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, यह बिल्कुल झूठ है। दस्तूर और कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान एक कमेटी ने बनाया था, उस कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अंबेडकर थे और वो बहुत बड़े माहिर कानून थे, लेकिन अकेले उन्होंने नहीं बनाया था। काश कि आप में से कुछ लोग जब दिल्ली जाते हैं तो सिवाय नहारी खाने के और सिवाय लाल किला घूमने के आपको कभी तौफीक नहीं होती कि आप टीचर लोग, आप सो कॉल्ड प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल लोग, आप आमादीन शहर चंद मिनट के लिए पार्लियामेंट हाउस की लाइब्रेरी में चले जाएं और जाकर वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पूरी हिस्ट्री जो जिल्दों में लिखी हुई है उसमें से एक जिल्द निकाल कर पढ़िए। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई चार सफ़े ऐसे नहीं मिलेंगे जिसमें मौलाना हिफ्ज़ुर्रहमान सेवारवी और मौलाना हसरत मोहानी का दस्तूर साज असेंबली में इंटरवेंशन नहीं मिले। वाकिफ ही नहीं हम, ऐसा मालूम होता है जैसे हम बगैर माँ बाप के पैदा हो गए हैं, हम आम के पेड़ से टपक गए हैं। मैं शिकवा करता हूँ उलमा से। मौलाना हिफ्ज़ुर्रहमान वो शख्सियत थे जिन्होंने पूरे दस्तूर के एक एक सतर पर नज़रसानी की और जवाहरलाल नेहरू को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 13 या 14 बार मौलाना हिफ्ज़ुर्रहमान उस सभारवी ने डांटा है। सिर्फ गुजारिश नहीं की है, रिक्वेस्ट नहीं की है। हमारे मुल्क में यह पोजीशन थी उन उलमा की जो वाकई उलमा थी, उन दानिश्वरों के जो वाकई दानिश्वर थे। आज तो ना उलमा उलमा है न दानिश्वर दानिश्वर है। किसे कहते हैं दानिश्वर? आपने डिग्री ले ली और आप दानिश्वर हो गए? आपको तो शऊर नहीं हलाल और हराम का, आपको शऊर नहीं कि हमारा मुल्क मौजूदा सरकार की रहनुमाई में किधर जा रहा है, आपको शऊर नहीं कि हमारा मुल्क दुनिया की बड़ी ताकतों का आलाकार बना हुआ है। आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं? आप ABCD पढ़ा दी आपने, आपने झूठी हिस्ट्री पढ़ा दी। मैं चैलेंज करता हूं कि जो हिस्ट्री कॉलेजेस में आप पढ़ा रहे हैं वो अक्सर झूठी हिस्ट्री है, बिल्कुल झूठी हिस्ट्री है। मैं हिस्ट्री के टीचर से कहता हूं कि आप मुसलमान हिस्टोरियंस की लिखी हुई किताबें मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, आप विशंबरनाथ पांडे की किताब पढ़िए जो उड़ीसा के गवर्नर रहे, जो 20 साल मेंबर पार्लियामेंट रहे, जो सीनियर मोस्ट गांधीयाई लीडर रहे, आप उनकी लिखी हुई हिस्ट्री पढ़िए। उन्होंने चैलेंज किया है कि इससे बढ़कर कोई झूठ नहीं कि औरंगजेब मंदिर तोड़वाते थे। उन्होंने 500 फरमान तलाश किए हैं, कहाँ कहाँ से ढूंढ कर लाए वो कि औरंगजेब ने फला मंदिर को इतनी जायदाद दी, फला मंदिर को इतने लाख रुपए दिए। झूठ है झूठ जो पढ़ाया जा रहा है। लेकिन काश कि आप टीचर लोग अपनी नस्लों से खिलवाड़ न करते, आप अपनी नस्लों को ऑन रिकॉर्ड तो वही पढ़ाते जो आपको पढ़ाने पर मजबूर किया जा रहा है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड आप अपने बच्चों को बताते कि ये झूठ है और ये है सच और ये है सच का सबूत। प्रोफेसर आर्नल्ड की किताब पढ़ते हैं आप, प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। मैं उलमा की किताबों के हवाले नहीं दे रहा हूँ, आर्नल्ड अंग्रेज राइटर था और आर्नल्ड ने लिखा है प्रीचिंग ऑफ इस्लाम नाम की एक किताब, आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। आप कैसे इंटेलेक्चुअल हो गए? पैंट शर्ट पहन लिया आपने, आप इंटेलेक्चुअल हो गए? एब्सोल्यूट नॉनसेंस है ये बात। क्या आपको मालूम है कि पंडित मोतीलाल नेहरू की उर्दू की राइटिंग बहुत खूबसूरत थी? क्या आप जानते हैं कि गांधी जी उर्दू में बेहतरीन खत लिखते थे? क्या आप जानते हैं कि गांधी जी जब अहमदाबाद जेल में थे और उसी वक्त उसी जेल में मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, तो तहज्जुद के वक्त में गांधी जी मोहम्मद अली जौहर को जगाने आते थे कि मौलाना ये हम पैगंबर मोहम्मद की तहज्जुद का वक्त है, मौलाना उठिए और तहज्जुद पढ़कर देश के लिए दुआएं कीजिए। ये हमारी जहानत है जिसने हमें इस जगह पर पहुंचाया है।
अनपढ़ लोग और चौथी पास राजा लोग वो हमारी इज्जत से खेल रहे हैं। इसमें वो भी तो मुजरिम हैं, लेकिन वो हमारी जहालत का फसल काट रहे हैं, हमारी कामचोरी, हमारी खयानत, हमारी इस मुल्क से गद्दारी, हमारी इस मुल्क से बेवफाई। आज हमको मुल्क का वफादार साबित करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है? मैं निजामिलत अखबार का जिक्र कर रहा था, मेरी भाभी, मसला यह हुआ कि प्रेस में छप तो गया लेकिन हर तरफ सीआईडी का पहरा था, पुलिस घेरे हुए थी चारों तरफ से मेरे बड़े भाई के घर को और प्रिंटिंग प्रेस को। जिस प्रेस में वो रिसाला छप रहा था वो मेरे बड़े भाई के घर के नीचे था और चारों तरफ से वो पुलिस और इंटेलिजेंस के लोग घेरे हुए थे कि जब छप के निकलेगा तो हम उसको जब्त कर लेंगे, नहीं जाने देंगे। रेलवे के डाकखाने में जहाँ से अखबार और रिसाले पोस्ट होते हैं वहाँ तक हम नहीं जाने देंगे। मैं सलाम भेजता हूँ मेरे बड़े भाई को और मैं सलाम भेजता हूँ मैं अपनी भाभी को, अल्लाह अल्लाह उनको जन्नत का आला रुतबा अता फरमाए। और आज की औरतों को, अगर मर्दों को सबक लेने की तौफीक नहीं है तो औरतों को सबक लेने की तौफीक मिले। मेरी भाभी ने कहा आप क्यों परेशान होते हैं, मैं तांगा मंगवाती हूँ और तांगे में बिस्तर भी रखती हूँ और आप अपने अखबार के सारे बक्से उस पर रख दीजिए, उसमें रख दीजिए और मैं निकलूँगी, इस तरह वो लोग समझेंगे कि मैं तो कहीं सफ़र पे जा रही हूँ तो मुझे तो नहीं छेड़ेंगे, मैं अकेली औरत हूँ, वो क्या जाने कि इसमें अखबार रखा हुआ है। इस तरह हमारी भाभी ने रिस्क लेकर तांगे पर रख कर वो हज़ारों कॉपियाँ उस अखबार की लेकर गईं वो, और वो बस स्टैंड गईं और मेरे भाई ने प्लानिंग करके कहा कि देखो पीछे देखती रहना, अगर तुमको कोई शक लगे क्योंकि तुम्हारा पीछा कर रहा है तो तुम बस पे बैठ के बाराबंकी चली जाना, लेकिन अगर तुमको ये महसूस न हो कि कोई पीछा नहीं कर रहा है तो तुम तांगा लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचो, मैं भेजता हूँ एक दो आदमियों को, सारा इंतज़ाम करेंगे। पूरी गवर्नमेंट हैरान रह गई कि 10,000 अखबार मेरी भाभी की कुर्बानी और हिम्मत और बहादुरी के नतीजे में 3 घंटे के अंदर लखनऊ से रवाना हो गए। कहाँ चले गए लोग? कौन कहता है कि 25 करोड़ और 30 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में? मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, मैं नहीं मानता कि इस मुल्क में 1 करोड़ भी मुसलमान। क्या मुसलमान होने के लिए कुर्ता पजामा पहनना काफ़ी है? क्या मुसलमान होने के लिए टोपी और दाढ़ी काफ़ी है? क्या मुसलमान होने के लिए बुरका काफ़ी है? मुसलमान होने के लिए अपने वतन से मोहब्बत ज़रूरी है, अपने मुल्क से वफादारी ज़रूरी है, अपने मुल्क को चोरों और डाकुओं के हाथ में न जाने देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना ज़रूरी है। कोई बेचैन नहीं होता, मैं अपने साथियों को देखता हूँ, 1% बेचैनी किसी साथी के दिल में नहीं आती। मैं रात भर करवटें लेता रहता हूँ, नींद की गोलियाँ खाता हूँ, नींद नहीं आती, और ये लोग खर्राटे लेकर फजर की नमाज भी खो देते हैं। ट्रेन के स्टेशन भी गुजर जाता है, उन्हें होश ही नहीं होता कि हमको उठना है, इसलिए कि वो सिर्फ मक्कार हैं, उनको उनके दिल के अंदर कोई आग नहीं लगी है कि मेरा ये मुल्क, हजरत गंगोही का मुल्क, हजरत नानोतवी का मुल्क, मौलाना फजल रहमान का मुल्क, ख्वाजा मोहीद्दीन चिश्ती का मुल्क, निज़ामुद्दीन औलिया का मुल्क, फजल रहमान गंज मुरादाबादी का मुल्क, सुल्तानुल औलिया का मुल्क, सलीम नागौरी का मुल्क किस रुख पर जा रहा है? आरएसएस के लोग जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, जो अंग्रेजों के दलाल थे, जो खबरें भेजते थे, ये सावरकर के फॉलोअर, जिस सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी, 3 माफीनामे लिखे और अंग्रेजों ने शर्त लगाई कि तुम अगर बाहर निकलकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओगे, क्योंकि तुम बड़े अच्छे राइटर हो, तुम्हारी किताबें हैं, अगर तुम बाहर निकलकर मुसलमानों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करोगे तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, वरना उमर कैद के लिए अंडमान निकोबार काला पानी सावरकर को भेज दिया गया था। शायद आप में से किसी को ये बात नहीं मालूम होगी, इसलिए कि आप
सिर्फ खाने कमाने और बच्चे पालने में मसरूफ हैं, आपको पढ़ने का बिल्कुल मौका नहीं है। कैसे इंटेलेक्चुअल हैं आप? मैं नहीं मान सकता ऐसे लोगों को उलमा, और मैं नहीं मान सकता ऐसे लोगों को इंटेलेक्चुअल जो मुताला नहीं करते, जो पढ़ते नहीं, जो लाइब्रेरी के मेंबर नहीं बनते, जो सिवाय गप लड़ाने का कोई काम नहीं करते। कितना कीमती वक्त अब तक आप जाये कर चुके हैं, आखिरत में आप इसका हिसाब नहीं दे पाएंगे। ये जिंदगी दुनिया की हा ही हु करने के लिए आई है, कहकहे लगाने के लिए आई है। इस जिंदगी में अल्लाह ने थोड़ा सा रिलैक्स होने की हमको इजाजत दी, थोड़ा सा सो जाओ, थोड़ा सा खा पी लो, थोड़ा बच्चों से प्यार कर लो। ये सिर्फ इसलिए है कि तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो गए तो एक नई एनर्जी के साथ अगले 18 घंटे तुम इंसानियत की खिदमत करोगे। सिर्फ सोने के लिए ज़िंदगी नहीं आई, सिर्फ खाने पीने और बीवी के साथ सोने के लिए ये ज़िंदगी नहीं मिली। जिस ज़िंदगी में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, जिस ज़िंदगी में कोई चैलेंज नहीं होगा, जिस ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं होगा, जिस ज़िंदगी में कुछ फ़राइज़ नहीं होंगे, वो ज़िंदगी जन्नत में रखी है अल्लाह ने। ये दुनिया लकद खलकल इंसान फी कबद, ये दुनियावी ज़िंदगी स्ट्रगल की जगह है, संघर्ष की जगह है, मशक्क़त की जगह है, इंसाफ का निज़ाम कायम करने की जगह है, जुल्म से लड़ाई लड़ने की जगह है। मगर हम लोगों ने इस ज़िंदगी का मतलब ही नहीं समझा। मुसलमानों की शादियां 80-90% जिस तरह की होती हैं, मेरा ख्याल ये उसी शहर पर अल्लाह के अजाब का फैसला उसी शादी के दिन हो जाता है। यतीमों के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, बेवाओं के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, फिजिकली चैलेंज लोगों के मदद के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, बीमारों के इलाज के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन बेटी की शादी पर सूदी कर्जा लेकर अपनी दौलतमंदी का झूठा तमाशा दिखाने के लिए आपके पास पैसे हैं। ऐलान कर दीजिए कि हम मुसलमान नहीं हैं। आप इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस्लाम के दुश्मन काफ़ी हैं। आपको किसने ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आपको किसने ये ठेका दे दिया? काश कि हमारे टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला, ये सारा तबका ये भी अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा होता तो आज हमारी हालत इतनी खराब ना होती। मैं इस सब के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं। बहुत से लोग इस तबके के अंदर अल्लाह के वली मौजूद हैं, बहुत से लोग इस तबके के अंदर वो हैं जिनमें हिम्मत है, जिनमें सखावत है, जिनमें बहादुरी है, जिनमें कौमी शऊर है, जिनमें इज्तिमाई बेदारी है, लेकिन अक्सरियत का हाल अच्छा नहीं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जैसे मैंने कल भी कहा था कि बस इनफ बहुत हो चुका, अब आप थोड़ा सा एहसास का सबूत दीजिए और उन लोगों के पास सफ़र करके जाइए। अगर आपको पता चल जाए कि फलां जगह में जाऊंगा, हम जाएंगे तो हमें तरबियत मिलेगी, हमें रहनुमाई मिलेगी, रहनुमाई आपको वो दी जाएगी जिससे इस मुल्क की तरक्की हो। हम बार बार इसका सबूत पेश करते हैं कि हमसे बढ़कर हर नाजुक मौके पर इस मुल्क का खैरख्वाह कोई नहीं है। मजदूर जब फंसे उत्तरकाशी की सुरंग में तो कौन काम आया? मुन्ना कुरैशी, वकील खान, लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद हुसैन, नासिर, इनकी टीम काम आई। 41 दिन तक मशीनें लाई आई, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, अमेरिका से मशीन मंगवाई गई, वो मशीन भी टूट गई और बिल आखिर
दिल्ली से इस टीम को जिसके चैंपियन मुसलमान थे उनको बुलाया गया, जो इंतहाई रिस्की काम करते हैं, बारीक सी गड़ा खोदकर उसके अंदर उससे उतरते हैं, वो आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन वो पूरी टीम उतरी, और पूरी टीम जब उतरी तो उन सब मजदूरों को उसी रास्ते से जिंदा सलामत बाहर लेकर आई। यह है मुसलमान। तुम कदर नहीं करते मुसलमानों की, तुम इस मुल्क का नुकसान पहुंचाते हो। मैं अब भी तुमको समझाता हूँ, ऐ मुल्क के चलाने वालों, ऐ महाराष्ट्र की सरकार वालों, ऐ दिल्ली में बैठकर राज करने वालों, अगर तुम इस मुल्क के वफादार हो तो तुम मुसलमानों पर भरोसा करो, उनको नाजुक मौक़ों पर इस मुल्क की खिदमत का मौका दो। हर कुछ दिन के बाद एक शख्स का नाम आता है कि पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी के हाथ वो भारत के डिफेंस के राज बेचता हुआ पाया गया। हर दो चार महीने के बाद एक नाम आता है, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, बीसों साल हो गए, एक भी मुसलमान का नाम मुल्क के राजों को पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ बेचने वाला आज तक नहीं सामने आया। इस कौम को तुम कहते हो ये देशद्रोही है? फ़लस्तीन का मसला आता है, सज्जाद नौमानी जब फ़लस्तीन के हक में बयान देता है, जब सज्जाद नौमानी इसराइल को कंडम करता है, और जब सज्जाद नौमानी वो एक अपील करता है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि भारत अपने पुराने मौके पर कायम रहकर इस वक्त फ़लस्तीनी मजलूमों का साथ दे, तो मेरे पास एजेंसीज के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। मौलाना ये क्या कह दिया आपने? मैंने कहा जनाब, मैंने वो कहा जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, आइए मुझसे मिलिए, मैं आपको बताऊं। आप इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिसर हैं, और आपको नहीं पता कि लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो जो राजनीतिक नेता नहीं थे, ही वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन, वो स्टेट्समैन थे अटल बिहारी वाजपेयी ने, यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की थी, और यहाँ बहुत बड़ी सभा की थी उन्होंने इंडिया में, और एक बहुत बड़ी पब्लिक सभा में बहुत जोर शोर से कहा था कि भारत अरबों के साथ है, और इसराइल से कहता है कि जितनी ज़मीन अरबों की छीन कर इसराइल ने कब्जा की है उसको वापस करना पड़ेगा। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने तो दोनों तीनों मरतबा उन्होंने मुझको बुलाया, एक बार बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई, उस मौके पर उनका मूड बहुत अच्छा था, वो वैसे भी बड़े ह्यूमरस आदमी थे, बहुत हंसने वाले, बहुत मुस्कुराने वाले। तो मैंने अटल जी से पूछा कि अटल जी, आपने जो इतनी जोरदार तकरीर अरबों के हिमायत में की थी, तो ये आपके अपने विचार थे, या आप जब उस वक्त सरकार में थे जनता दल की तो ये सरकारी पॉलिसी थी? उन्होंने कहा कि मैं फॉरेन मिनिस्टर था, मैं अपनी जाती बात कैसे कह सकता था। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के पास मैं गया, अटल जी ने मुझे पर्सनली बताया, नोट कर ले नोट करने वाले, अटल जी ने कहा कि मैं मोरारजी भाई के पास गया, और मैंने उनसे कहा कि सर, अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तो इस मामले में भारत की पॉलिसी क्या होगी? तो मोरारजी भाई ने कहा कि पार्टी के बदलने से फॉरेन पॉलिसी नहीं बदला करती, सरकार की बदलने से फॉरेन पॉलिसी कभी नहीं बदला करती, हम अरबों के साथ थे, अरबों के साथ हैं, और अरबों के साथ रहेंगे। आप खुलकर इसराइल का विरोध कीजिए और अरबों का साथ दीजिए। अटल जी ने मुझे खुद बताया, तब मैंने वो तकरीर की थी, यह है भारत की पॉलिसी। एक आध किसी सियासी पार्टी की पॉलिसी कुछ और हो तो पार्टी की पॉलिसी है भाई, वो भारत की पॉलिसी बिल्कुल नहीं है। किसी संगठन या किसी पार्टी की पॉलिसी को देश की पॉलिसी बताना, इससे बढ़कर कोई झूठ नहीं हो सकता। देश का मालिक कोई नहीं है,
देश के मालिक उसकी पूरी जनता है, उसका संविधान है, उसका दस्तूर है। हमें और आपको पूरे शऊर के साथ, पूरी अकलमंदी और हिम्मत और बेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना होगा। मैं अपने नौजवानों से कुछ बात कहना चाहता हूँ। नौजवानों, ये उम्र तुम्हारी एनर्जी की उम्र है। जो एनर्जेटिक जितना नौजवान होता है, मेरे जैसा बूढ़ा नहीं हो सकता। मुझे खुशी है कि मैं अपनी जवानी की बेहतरीन रातों को भी पढ़ने में गुजारता था। अल्लाह का शुक्र है, शायद मैं चैलेंज करूं कि मेरी तरह का मुताला इस मुल्क में बहुत कम लोगों ने किया होगा, तो शायद मैं झूठा साबित नहीं हूं। मैंने पॉलिटिकल साइंस की अलमारियों की अलमारियां पढ़ी, मैंने इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ी, फ़िका, हदीस, कुरान, तफसीर, इस्लामी तालीम में तो मैं दिन रात डूबा रहता था, लेकिन मैं ये सब उलूम भी पढ़ता था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये थे हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहू मुलालिया, जो लातूर के एक इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे। हज़रत उलमा की अजमत पर रोशनी डाल रहे थे कि उलमा अगर ना होते तो इस मुल्क का क्या हाल होता। जहाँ उलमा ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है, वहीं इस मुल्क की खातिर अपनी कुव्वत और अपने दिमाग का इस्तेमाल कर इस मुल्क के लिए ऐसी ऐसी तंजीमें और ऐसे ऐसे इदारे हमें दिए हैं उलमा किराम ने, कि जिनसे मुआशरे की, सोसाइटी की और समाज के लोगों की इसलाह होती है। वाकई में अगर ये उलमा ना होते तो फिर हमारा और हमारे इस मुल्क का और दुनिया का क्या हाल होता। अल्लाह हम सब को उलमा किराम से मोहब्बत अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं, शिफा अफसा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो मोहम्मद दिलशाद नोमानी Facebook प्रोफाइल को लाइक फॉलो कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।